दोस्तों, अच्छी आदतें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। आदतों का इंसान की लाइफ में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम स्टूडेंट हों या फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में हों, हमको अपनी हैबिट्स को, अपनी आदतों को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जेम्स क्लियर की ये बुक एटॉमिक हैबिट्स आपने ज़रूर सुनी होगी। अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं कुछ चीज़ें जो इसमें इन्होंने डिटेल में समझाई हैं वो समरी के फॉर्म में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आदतों का जो रोल होता है ह्यूमन लाइफ में वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो जो सबसे फर्स्ट चैप्टर में जेम्स क्लियर बोलते हैं, ये बुक काफ़ी पॉपुलर है। इसकी दुनिया भर में कई मिलियंस कॉपी सेल हो गई हैं, तो काफ़ी पॉपुलर बुक है ये। सभी जो लोग थोड़ा सा रीड करने में बिलीव करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं, वो सब लोग इस बुक को पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट जो पहले चैप्टर में बात करते हैं, बोलते हैं कि जो हैबिट्स हैं ना वो कंपाउंडिंग की तरह काम करती हैं। मतलब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मेरी हैबिट एक दिन में चेंज हो जाएगी, एक हफ्ते में चेंज हो जाएगी, या कुछ ऐसी हैबिट हैं जो यू कैन बिलीव कि ये तो मैं 20 दिन में, एक महीने में चेंज कर लूँगा। तो जेम्स क्लियर बोलते हैं कि आपको अपनी हैबिट्स को ना टाइम फ्रेम में या एक लिमिट नहीं करना है, उनको कंपाउंडिंग की तरह काम करना है। आपको अच्छी हैबिट डालना हो या फिर ख़राब हैबिट से छुटकारा पाना हो, तो आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको करते रहना है। जैसे कंपाउंडिंग होती है ना कि आप धीरे 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 पैसा इन्वेस्ट करते रहो, और कंपाउंडिंग विद ए गुड पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देती है। तो इसी तरह अच्छे एक्शंस करते रहो, अपनी अच्छी हैबिट्स जो डालनी होती हैं, जो ख़राब हैबिट्स होती हैं उनको ख़त्म करना होता है, उस पर काम करते रहो धीरे धीरे, और आपको एक दिन अच्छी हैबिट्स आपके पास होंगी और ख़राब हैबिट्स से आप निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आपको कोई अच्छी हैबिट डालनी है। मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी उठने की हैबिट डालनी है, तो आप सीधा एक प्रोसेस है उस पर काम करते रहें, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी वो हैबिट बन जाएगी। ठीक है, आप गोल सेट करना भूल के आप प्रोसेस पे ध्यान देना शुरू कर दें। जैसे जनरली व्हाट वी डू कि हम गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे अब अगले कुछ दिन में ये हैबिट डालने है कि मैं सुबह जल्दी उठने वाला हूँ, या फिर जो कुछ ख़राब आदतें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को शराब पीने की उसकी लत लग चुकी है, या सिगरेट पीने की, स्मोकिंग की लत लग चुकी है और उसको छोड़ना चाहता है, तो वो हैबिट जब आप गोल फिक्स कर लेते हैं कि नहीं मुझे को इसको छोड़ देना है, तो जेम्स क्लियर बोलते हैं कि आप गोल की बजाय प्रोसेस पे ध्यान दें, कि आप उस जो प्रोसेस है छोड़ने की उस पर फोकस करें। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर है इसका, जिसमें बड़ी मज़ेदार बातें बताते हैं कि जो हमारी हैबिट्स के रिगार्डिंग जो हमारी सोच है उसको बदल सकता है। बोलते हैं कि 3 लेवल पे इंसान की आदतें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, पहला होता है आउटकम चेंज, सेकंड होता है प्रोसेस चेंज, और थर्ड होता है आइडेंटिटी। तो जनरली मोस्ट ऑफ अस बिलीव कि हम आउटकम पे फोकस करते हैं। जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की आदत है, तो मुझे अगर वो आदत छोड़नी है या मुझे एक अच्छी आदत लगानी है जैसे सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, एल्डर्स का रेस्पेक्ट करने की, तो वो मैं आउटकम बेस उसको बना लेता हूँ कि नहीं मेरे को अब सुबह जल्दी उठना है, मेरा आउटकम पे फोकस हो गया। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रोसेस पे फोकस करना। ठीक है, कि जो प्रोसेस है, ठीक है, हम जो हैबिट बनाना चाहते हैं उसको पाने के लिए हम जो प्रोसेस पे, उस पर फोकस करते हैं। और तीसरा होता है आइडेंटिटी बेस, आइडेंटिटी चेंज करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ये बोलते हैं कि जैसे अभी हम यही एग्जांपल से ले लेते हैं कि किसी को अगर स्मोकिंग की या ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो उसको छोड़ना चाहता है, तो उसको आइडेंटिटी बेस चेंज लाने पड़ेंगे अपनी पर्सनैलिटी में। उसको ये सोचने की बजाय कि मुझे अब शराब नहीं पीनी है, शराब छोड़ देनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, छोड़ देनी है, वो उसकी जगह अपनी आइडेंटिटी से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे एक सोम्बर इंसान बनना है जो ड्रिंकिंग नहीं करता है। ठीक है, मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो स्मोकिंग नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे एक अच्छी हैबिट डालनी थी, सुबह जल्दी उठना है, तो आउटकम पे ज़्यादा फोकस ना करके हमको ये देखना है कि उसको हम अपनी आइडेंटिटी से कैसे कनेक्ट करें, कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो सुबह 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, या अर्ली मॉर्निंग, वो डिसाइड कर सकते हो अपने तरीके से। तो आइडेंटिटी जब हो गई कि मैं एक ऐसा इंसान बनने वाला हूँ या बन जाऊँगा कुछ समय में जो सुबह जल्दी उठता है, तो वो आपकी आइडेंटिटी से कनेक्ट हो जाता है। तो ये बड़े डिटेल में समझाते हैं सेकंड चैप्टर में, जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो बोलते हैं कि हमको अपनी जो चेंज लेवल होता है ना, उसको आइडेंटिटी से कनेक्ट करना है, आउटकम से कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हैं कि नई हैबिट डालने के लिए हमको चार प्रोसेस फॉलो करनी होती हैं। चार प्रोसेस कौन सी हैं वो बोलते हैं, मेक इट ऑब्वियस, कि जो आप करना चाहते हैं उसको ऑब्वियस बना दो, एकदम स्पष्ट कर दो। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव, इसको अट्रैक्टिव करो। अट्रैक्टिव कैसे करेंगे, ऑब्वियस कैसे बनाएंगे, इस पे इन्होंने सेपरेट चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। उनको हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डिटेल में, कि किसी भी एक्शन को जिसको आप हैबिट बनाना चाहते हैं या उस हैबिट को हटाना चाहते हैं तो उसको ऑब्वियस कैसे बनाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेक इट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। तीसरा पॉइंट, मेक इट ईजी, उसको ईजी कैसे कर देना, आसान कैसे कर देना। फोर्थ वन, मेक इट सेटिस्फाइंग, कि आपको सेटिस्फाई करे, यानी आप अपने एक्शन से, अपनी एक्स हैबिट्स क्या होती हैं, रिपीटेशन ऑफ एक्शंस, उससे आप सेटिस्फाई हैं, कैसे उसको ऐसे बनाएं कि उससे आप सेटिस्फाई हो जाएं। तो इस तरह हैबिट बनाना और उनको ब्रेक करना, दोनों ये चार प्रोसेस में बताते हैं। फोर प्रोसेस हैं हैबिट बनाने के, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, और इसके बाद थर्ड वन है मेक इट ईजी, एंड देन मेक इट सेटिस्फाइंग। इनको फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।